वैसे तो सांप को देखते ही रूह कांप जाती है, लेकिन कुछ लोग सांप को पकड़ने में माहिर होते हैं। कई लोग सांप को उसके फन से पकड़ते हैं, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि सांप को उसकी पूंछ से ही पकड़ना चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट सांप को पूंछ से ही क्यों पकड़ते हैं? बड़ोर बड़ो हमेशा ही कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सांप के शरीर में मुंह से लेकर पिछले भाग तक हड्डियां होती है, जिन्हें वर्टिब्री कहा जाता है। लेकिन सांप की पूंछ के पास पूरे शरीर के मुकाबले कम हड्डियां होती है। इसके अलावा जब एक्सपर्ट सांप को पूंछ की तरफ से पकड़ते हैं तो उसे कंट्रोल करना आसान होता है। एक्सपर्ट सांप को पकड़ने के समय उसकी पूंछ को थोड़ा थोड़ा मोड़ते रहते हैं, जिससे सांप से उनकी दूरी बनी रहती है। एक्सपर्ट इसलिए भी सांप की पूंछ को पकड़ना बेहतर समझते हैं क्योंकि सांप के पूरे शरीर के मुकाबले उसकी पूंछ में न के बराबर सेंस होता है। सांप को पकड़ने का काम एक्सपर्ट को ही करने दे, इसे आप बिल्कुल भी ट्राई न करें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। बाकी आपको सबसे भयानक सांप कौन सा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।